ये जगन है जो आज ही काम की तलाश में अहियापुर आया है। जगन यहाँ अपने मामा हरिया के घर रहने वाला है। प्रणाम मामा जी। चलो अच्छा है तुम आ गए। सफर कैसा रहा तुम्हारा? ठीक ही था। चीनू, अरे ओ चीनू के बच्चे, जगन के लिए पानी ले आना। चीनू पानी लेकर आया और जगन ने पानी पी लिया। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। मामा जी, मामी नहीं दिखाई दे रही? वो बड़ी लंबी कहानी है, तुम आराम करो, बाद में समझाता हूँ। जगन आराम करने लगा। चीनू, मैं खेत जाकर आता हूँ, तुम जगन का ख्याल रखना। चीनू चाय और समोसा लेकर लौटा। ये लो गरम गरम समोसा। अरे वाह, तुम्हें तो समोसे भी बनाना आता है। अब बचपन से खाना ही तो पका रहा हूँ, तो आएगा ही ना। मैं समझा नहीं, और मम्मी जी कहाँ है? माँ वो यहाँ नहीं रहती, वो अपने मायके में रहती है। पर क्यों? भूखी डायन की वजह से। भूखी डायन? हाँ, इस गांव में एक भूखी डायन हर रात हर घर को खटखटाकर खाना मांगती है। हाँ? ये अजीब है। अजीब नहीं, ये एक श्राप है। आज से सालों पहले इस गांव में ठाकुरों का राज था। ठाकुर के बड़े बड़े खेत थे जहाँ गांव के सारे लोग काम किया करते थे। इन्हीं में से एक थी रानी। रानी एक विधवा थी। रानी खेतों में काम करके दिहाड़ी से अपना घर चलाती थी। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर रानी को एक जानलेवा बीमारी हो गई। वो काम पर ना जा सकी। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसका कोई नहीं था। उस रात रानी ने गांव का हर एक दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो घर लौटी और उसने पानी पिया और कमजोर होने की वजह से वही बेहोश हो गई। अगली रात जब वापस रानी को होश आया तो वो फिर से लोगों के दरवाजे खटखटाने लगी। कुछ तो खाने को दे दो, मैं दो दिन से भूखी हूँ, कुछ तो खाने को दे दो। पर आज भी उसकी किसी ने मदद नहीं की। आखिर रानी ने दम तोड़ दिया और वो एक भूखी डायन बन गई और लोगों के दरवाजे खटखटाने लगी। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। जिसने भी दरवाजा खोला वो उसकी आखिरी रात होती है। तुम जरा संभल के रहना। बाप रे बाप। उस रात जगन और चीनू साथ सोए। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे खाना चाहिए। चुपचाप सो जाओ। जगन पूरी रात सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अगले दिन जगन ने एक थाली में खाना भरा और एक गिलास में पानी और उसे दरवाजे के बाहर रख दिया। और फिर जगन और चीनू साथ सो गए। इस रात ना दरवाजे पर खटखट हुई, ना जगन की नींद टूटी। वो बड़े आराम से सोया। अगली सुबह जब उसने देखा तो थाली पूरी तरीके से साफ थी। फिर कभी रानी डायन ने जगन के मामा का दरवाजा नहीं खटखटाया। आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। समझ नहीं आता कि जो भी मैंने देखा क्या वो सच था या फिर कोई भ्रम। क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास रखते हैं? अगर 10 साल पहले यही सवाल आप मुझसे करते तो मेरा जवाब ना होता। मगर उस रात मैं अपने एक दोस्त की शादी को अटेंड करने गांव जा रहा था। बस कंडक्टर को जब मैंने गांव का नाम बताया वो थोड़ा चौंक सा गया और मेरी तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। उसने मुझसे कहा कि ये गाड़ी उस रास्ते नहीं जाती क्योंकि बारिश की वजह से वो रास्ता बंद हो चुका है और अगले स्टॉप पर उतर के मुझे पैदल जाना पड़ेगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, सो मैंने टिकट ले लिया। रास्ता बड़ा ही लंबा था, सो मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। लगभग रात के 10 बजे गाड़ी उस स्टॉप पर पहुंची और मैं बस से उतरने लगा, लेकिन तभी बस कंडक्टर ने मुझे रोका। वो मुझे वहां पर ना उतरने की विनती करने लगा। उसके कहे अनुसार वो रास्ता बड़ा ही निर्जन था, लेकिन पहले ही मुझे बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए कंडक्टर को धन्यवाद देते हुए मैं बस से नीचे उतर गया। मैंने मुड़कर देखा तो कंडक्टर अभी भी मेरी तरफ देख रहा था, मानो जैसे उसे मेरी बड़ी चिंता हो रही थी। बस निकल गई और उस सुनसान रास्ते में अकेला रह गया मैं। बस के जाने के बाद वो रास्ता और भी सुनसान लगने लगा। अंधेरा काफी घना था और मेरे पास टॉर्च भी नहीं थी,
सो मैंने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और जंगल के रास्ते की ओर बढ़ गया। मैं थोड़ी दूर चला था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। मैंने अपना छाता निकाला और मोबाइल की धुंधली सी रोशनी में आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक मेरे मोबाइल की टॉर्च बंद होने लगी। मेरा मोबाइल स्विच्ड ऑफ हो गया। रह रहकर मुझे कंडक्टर की बातें याद आ रही थी। मैं अपने आप को कोसने लगा, काश मैंने उसकी बात मान ली होती, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने हिम्मत बांधी और आगे बढ़ने लगा। तभी किसी लड़की की आवाज मेरे कानों पर आई। क्या आप गांव की तरफ जा रहे हैं? वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसके बाजू में एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए हुए खड़ा था। मैंने उसकी आंखों में देखा और मैं एकदम सहम सा गया। उसकी आंखें मुझे बड़ी अजीब ढंग से घूर रही थी। चलो बाबूजी, साथ में चलते हैं। बिना कुछ कहे मैं उनके साथ चलने लगा। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी। इतनी बारिश हो रही थी लेकिन उनके पास छाता नहीं था। उस बूढ़े आदमी ने अपने पूरे बदन पर एक कंबल लपेट लिया था और वो लड़की तो बारिश में पूरी भीग चुकी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। सच में वो बहुत ही सुंदर थी। जी आप चाहे तो मेरा छाता ले लीजिए, मैंने उस लड़की से गुजारिश की। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। और इतना कहकर वो मेरे पास आई और मेरे साथ एक ही छाते में चलने लगी। सच कहिए तो मुझे ये रात बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन जैसे ही छाता पकड़ने के लिए उसने मेरे हाथों को छुआ, मैं चौंक गया। क्या हुआ? उसने मुझसे पूछा। जी वो आपके हाथ बहुत ही ठंडे थे, लड़की मुस्कुराई। जी हाँ, वो आज बारिश बहुत ज्यादा है ना, शायद इसलिए। उस खूबसूरत लड़की के साथ एक ही छाते में चलते हुए मैं रोमांचित हो रहा था। अब गांव नजदीक आ गया था। मुझे दूर से घरों में जलते टिमटिमाते हुए दियों की रोशनी नजर आ रही थी। मैं उस रास्ते से आगे बढ़ा, लेकिन मैंने देखा कि वो लड़की और वो बूढ़ा आदमी एकदम से रुक गए। क्या हुआ, आप रुके क्यों? मैंने उनसे पूछा। आप गांव में नहीं आने वाले? जी हम गांव नहीं आते, हमारा लॉज है यहाँ पर, कभी वक्त मिले तो आइएगा जरूर। उस लड़की के हाथों में छाता देके मैं आगे बढ़ा। अचानक मुझे याद आया कि मैंने उस लड़की का नाम तो पूछा ही नहीं। अपने आप को कोसता हुआ मैं पीछे मुड़ा और मेरे पांव तले जैसे जमीन खिसकी गई। वहां पे कोई भी नहीं था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा। अचानक फिर से बिजली कड़की और फिर जो मैंने देखा, मैं आज तक उसे भुला नहीं पाया हूं। उनकी आंखें, उफ, उसमें तो जैसे जान ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुझे ही घूर रही थी। चेहरा सफेद, मानो जैसे उनका खून ही सूख चुका हो। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, उसके सारे दांत सड़ गए थे। हमारा लॉज है यहाँ पर, कभी वक्त मिले तो आइएगा जरूर, मैं आपकी राह देखूंगी। उसकी आवाज मानो किसी कब्र से आ रही हो, इतनी भयानक थी। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मुझे उस कंडक्टर की बताई हुई बात याद आ गई। उसने मुझसे कहा था कि रास्ते में अगर कोई पुकारे तो रुकिएगा मत। इतनी बारिश में भी मुझे पसीना आने लगा और फिर अपनी जान हथेली पर रखकर मैं वहां से भाग निकला। पता नहीं मैं कितनी देर भाग रहा था। गांव में पहुंचते ही मैं बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन 2 दिन बाद मुझे होश आया। तब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि पिछले 2 दिन से मुझे तेज बुखार था और मैं अपनी बेहोशी में अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रहा था। मैंने अपने दोस्त को उस रात क्या हुआ वो सब बात बताई, जिसे सुनकर मेरा दोस्त भी घबरा गया। उसने मुझसे उस गांव में घटी हुई एक हकीकत बताई, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। उसी गांव में एक लॉज था जिसे एक बूढ़ा आदमी और उसकी नातिन दोनों मिलकर चलाया करते थे। कुछ साल पहले शहर से कोई लड़का उन दोनों के लॉज पर रहने के लिए आया था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लड़के ने लड़की से शादी का वादा किया और फिर वो शहर चला गया। वो लड़की उसके लौटने के इंतजार की राह देखने लगी, मगर वो लड़का लौट कर कभी नहीं आया। गांव के लोग अब उस लड़की का मजाक उड़ाने लगे, उसे तंग करने लगे। उनका लॉज बंद हो गया। वो बूढ़ा आदमी और लड़की दोनों ही अब अकेले पड़ गए। लड़की का हाल तो बहुत ही बुरा था,
वह पागलों जैसे बर्ताव करने लगी थी। उस पुणे से अपनी नातिन का यह हाल बर्दाश्त नहीं हुआ। एक रात को दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े और एक पेड़ से लटक कर उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। उस तूफानी रात में मैं जिस लड़की और उस पुणे आदमी से मिला, ये वही लोग थे। आज भी जब मुझे वो तूफानी रात याद आती है तो मैं चैन से नहीं सो पाता। अब आप ही बताइए, उस रात जो भी मैंने देखा या फिर महसूस किया वो सच था या फिर मेरा भ्रम? आपको क्या लगता है, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? बड़े शौक से दादाजी वो तस्वीर खरीद के लाए थे। दादाजी की उम्र अब लगभग 70 साल की हो गई थी। जब से उनकी पत्नी शारदा ये दुनिया छोड़ के चली गई थी, वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगे थे। दादाजी वो तस्वीर किसी आर्ट गैलरी से खरीद के लाए थे। उनका कहना था कि वो तस्वीर उन्हें शारदा की याद दिला रही थी। उन्होंने उस तस्वीर को अपने बेडरूम में लगाया। अपने पलंग पे सोते सोते घंटों वो उस तस्वीर को ही देखा करते थे। दादाजी का बेटा दिनेश और उनकी बहू राधिका दोनों ही उनकी इस आदत से कुछ परेशान से हो गए थे। कभी कभी तो उनके रूम में से अकेले ही कुछ बड़बड़ाने की आवाजें आती रहती थी। राधिका ने दिनेश से कहा कि दादाजी अब उस तस्वीर से बातें भी करने लगे थे। दिनेश इस बात से बड़ा ही चिंतित हो गया था। उसने वो तस्वीर दादाजी के बेडरूम से निकालनी चाही, लेकिन उसकी इस हरकत से दादाजी नाराज हो गए और उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया। मजबूरन दिनेश को वो तस्वीर फिर से दादाजी के कमरे में लगवानी पड़ी, लेकिन अब दादाजी ने बहू और बेटा दोनों से ही बात करना भी छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, वो खाना भी अपने कमरे में ही खाने लगे थे। दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब ही होती जा रही थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। एक दिन राधिका उनके कमरे में उन्हें खाना देने आई तो उसने देखा कि दादाजी बस एक टक उस तस्वीर को ही घूर रहे थे और उनके ओंठ कुछ पुटपुटा रहे थे। शारदा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? कल मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? दादाजी की ये बात सुनके राधिका बहुत घबरा सी गई। उसने उस तस्वीर की तरफ देखा। दो पल के लिए उसे भी लगा कि जैसे उस तस्वीर की आंखें उसे ही घूर रही है। उस कमरे में रोशनी बहुत ही कम थी और एक अजीब सी बदबू पूरे कमरे में फैल चुकी थी। न जाने दादाजी उस कमरे में कैसे रहते थे। राधिका ने खाना रखा और वो उस कमरे में से बाहर निकल आई। शारदा, क्यों तड़पा रही हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। दादाजी अकेले ही पुटपुटा रहे थे। चांद की हल्की सी रोशनी उस खिड़की में से आके उस तस्वीर पर गिर रही थी। धीरे धीरे उस तस्वीर का नूर पलटने लगा, मानो वो तस्वीर जिंदा हो रही हो। शारदा, तुम आ गई, तुम आ गई शारदा। दादाजी पुटपुटा रहे थे। एक सुंदर सी लड़की दादाजी के सिरहाने आके बैठ गई। हाँ, मैं आ गई, वो लड़की बोली। अब मुझे कभी छोड़ के मत जाना। दादाजी इतना बोल ही रहे थे कि चांद की रोशनी उस लड़की के चेहरे पे आ पड़ी। दादाजी ने उसकी तरफ देखा। नहीं नहीं, कौन हो तुम? तुम शारदा नहीं हो, तुम शारदा नहीं हो, वो चिल्लाए। उस लड़की का चेहरा बड़ी ही भयानक तरीके से सड़ चुका था। वो दादाजी की तरफ देखकर मुस्कुराई। डरिए मत, डरिए मत, अगली पूर्णिमा के दिन हम एक हो जाएंगे, फिर आपको मुझसे कभी भी अलग नहीं रहना पड़ेगा। दादाजी जोर से चिल्लाना चाहते थे, लेकिन मानो जैसे उनकी आवाज ही चली गई थी। उस लड़की ने धीरे से उनका माथा चूमा और मुस्कुराती हुई फिर से उस तस्वीर में गायब हो गई। दूसरे दिन जब राधिका दादाजी के कमरे में आई तो वो दादाजी का चेहरा देख जोरों से चिल्लाई। दिनेश दौड़ता हुआ कमरे में आया। उसने देखा कि दादाजी का चेहरा पूरा सूख चुका था, मानो जैसे किसी ने उनका खून ही चूस लिया हो। उनकी सांस तो चल रही थी, लेकिन उनकी आंखें सफेद पड़ गई थी और वो एक टक उस तस्वीर को ही घूरते जा रहे थे। लेकिन अब उनकी आंखों में वो प्यार, वो जज्बात नहीं था जो पहले दिखाई देता था। अब उस प्यार और जज्बात की जगह किसी खौफ ने ले ली थी।
उनके ओठ सूख चुके थे, वो कुछ पुटपुटा रहे थे, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादाजी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? दिनेश उनकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। पूर्णिमा, पूर्णिमा, अगली पूर्णिमा। दादाजी बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शब्द उनके मुंह में से निकल ही नहीं रहे थे। वो अपने हाथ से उस तस्वीर की तरफ इशारा करने लगे, लेकिन दिनेश को उनकी बात समझ ही नहीं आ रही थी। दादाजी, हम वो तस्वीर वहां से नहीं निकालेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हताश होकर दादाजी का हाथ बिस्तर पर गिर पड़ा। डॉक्टर ने दादाजी की पूरी जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें भी उनकी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। दादाजी उस तस्वीर को वहां से हटाना चाहते थे, लेकिन किसी को भी उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार पूर्णिमा का वो दिन आ ही गया। दादाजी सहम कर उस तस्वीर की तरफ देख रहे थे। जैसे ही चांद की रोशनी उस तस्वीर पे पड़ी, वो लड़की उस तस्वीर में से बाहर आने लगी। दादाजी दिनेश और राधिका को पुकारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह में से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। वो लड़की धीमे से उनके पास आई। मैं आपको लेने आई हूँ, अब हमें कभी भी अलग नहीं रहना पड़ेगा। नहीं, तुम शारदा नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता। दादाजी पुटपुटाने लगे। तुमने ठीक पहचाना, मैं शारदा नहीं, कमला हूँ, वो लड़की बोल रही थी। एक चित्रकार मेरी तस्वीर बनाना चाहता था। मेरी तस्वीर बनाते बनाते वो मुझसे प्यार करने लगा और उसने मुझसे शादी करने की इच्छा दर्शाई, लेकिन जब मैंने इनकार किया तो उसने गुस्से में आकर मेरी कर दी, और फिर मेरे ही रक्त से उसने इस तस्वीर के रंग भरे और बाद में खुद भी कर ली। तभी से मैं इस तस्वीर में रह रही हूँ। जिस दिन मेरी हत्या हुई, वो दिन भी पूर्णिमा का ही दिन था। हर पूर्णिमा के दिन मुझे रक्त की प्यास लगती है। अब आओ, मेरी प्यास बुझाओ। इतना कहकर उस डायन ने अपना मुंह खोला। दादाजी के मुंह से एक हल्की सी चित्कार निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। दिनेश और राधिका को कभी भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिरकार दादाजी की मौत की असली वजह क्या थी। उन्होंने उस कमरे का सारा सामान कबाड़खाने में बेच दिया, जिसमें वो तस्वीर भी थी। पता नहीं अब वो तस्वीर कहाँ पे है और किस घर की दीवार पर टंगी हुई है। कहीं वो तस्वीर आपके घर में तो नहीं है ना? नीलेश का परिवार एक सुखी परिवार था। वो, उसकी पत्नी शर्मिला और उनकी 14 साल की बेटी स्वरा। हाल ही में वो एक नए मकान में शिफ्ट हुए थे, जहां पर नीलेश ने कुछ नया फर्नीचर भी खरीद लिया था, जिसमें एक पुरानी सी तस्वीर भी थी। जी हाँ, ये वही तस्वीर है जिसने दादाजी की जान ली थी। नीलेश ने वो तस्वीर स्वरा के बेडरूम में लगाई थी। नीलेश खुद एक आर्टिस्ट था और उसे आर्ट की बड़ी अच्छी समझ थी, लेकिन न जाने क्यों शर्मिला को वो तस्वीर बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक रात शर्मिला को स्वरा के बेडरूम से कुछ आवाजें आने लगी। जब शर्मिला स्वरा के कमरे में पहुंची, उसने देखा कि स्वरा उस तस्वीर की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। शर्मिला को ये बात बड़ी अजीब लगी। किससे बात कर रही हो स्वरा? नहीं तो मैं कहां बात कर रही हूँ? शर्मिला स्वरा के कमरे में से बाहर आई। जैसे ही उसने कमरे के बाहर कदम रखा, अंदर से फिर से हंसने की आवाजें आने लगी। अगले दिन शर्मिला ने ये बात नीलेश को बताई, लेकिन नीलेश ने इस बात को हंसी मजाक में टाल दिया। दूसरे दिन शर्मिला ने देखा कि स्वरा अपने कमरे में बैठी कोई तस्वीर बना रही है। स्वरा दीवार पर टंगी उसी तस्वीर की नकल बना रही थी। शर्मिला को ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने भी इस बात को अनदेखा कर दिया। रात को जब शर्मिला अपने बेडरूम में सोने जा रही थी,
उसे स्वरा के कमरे से फिर से किसी के बोलने की आवाज आने लगी। शर्मिला धीमे से स्वरा के कमरे में दाखिल हुई। उसने देखा कि स्वरा एकटक उस तस्वीर को घूरे जा रही है और अपने आप से ही कुछ बड़बड़ा रही है। पूर्णिमा, अगली पूर्णिमा, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। स्वरा की आवाज बड़ी अजीब लग रही थी। शर्मिला घबरा गई। स्वरा, स्वरा, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे क्यों बात कर रही हो? लेकिन स्वरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब जोर जोर से आगे पीछे हिलने लगी। शर्मिला ने घबरा कर नीलेश को पुकारा। नीलेश ने जब स्वरा को इस हालत में देखा, वो भी घबरा गया। स्वरा, होश में आओ, स्वरा, होश में आओ। स्वरा के ओठों पर एक अजीब सी मुस्कान झलक रही थी और उसकी आंखें सफेद हो गई थी। मैं स्वरा नहीं हूँ। उसकी आवाज बड़ी भयानक थी। अचानक फिर से उसके चेहरे का नूर पलट गया। उसकी आंखें अब गोल गोल घूमने लगी। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। वो गुस्से से उन दोनों पर चिल्लाई। शर्मिला स्वरा की ये हालत देखकर रोने लगी। नीलेश ने फौरन डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर अंकल जब स्वरा के कमरे में दाखिल हुए, वो भी इस नजारे को देखकर चौक से गए। स्वरा ने अब अपनी आंखें उनकी तरफ रोकी। ए डॉक्टर, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तू उस बूढ़े को नहीं बचा पाया, अब इस बच्ची को कैसे बचाएगा? स्वरा के मुंह में से आने वाले ये शब्द सुनकर डॉक्टर अंकल सुन्न हो गए। जी हाँ, ये वही डॉक्टर थे जो दादाजी की तबीयत की जांच पड़ताल करने आए थे। क्यों, कुछ याद आया? अगली पूर्णिमा के दिन मैं इस बच्ची को ले जाऊंगी और तू बस देखता रहेगा। अचानक डॉक्टर को कुछ याद आया। उन्हें अब दादाजी का सूखा हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। उन्हें याद आया कि दादाजी दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ देखकर कुछ कहना चाहते थे। डॉक्टर अंकल की नजर अब दीवार की तरफ गई और उनके पांव मानो जैसे जमीन में जम ही गए। यह तो वही तस्वीर है, वो पुटपुटाए। उन्हें दादाजी के शब्द याद आने लगे। पूर्णिमा, अगली पूर्णिमा। दादाजी की मौत पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। ये तस्वीर यहां पर कैसे आई? जी, मैंने वो कबाड़ खाने से खरीदी थी। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर को अब सारी बात समझ आ गई। तभी स्वरा डॉक्टर को घूरते हुए बोली, तू ठीक समझा, मैंने ही उस बूढ़े की जान ली थी और अब इस लड़की की बारी है। डॉक्टर के माथे पर पसीना जमा होने लगा। वे कांपते हुए उस कमरे से बाहर आए। उन्होंने दादाजी की पूरी हकीकत नीलेश और शर्मिला को बताई। मुझे लगता है कि आपको उस तस्वीर को वहां से हटा देना चाहिए, या फिर बेहतर है कि आप उसे जला ही दे। लेकिन आपको यह काम पूर्णिमा के दिन ही करना होगा। इतना कहकर डॉक्टर अंकल वहां से निकल गए। आखिर पूर्णिमा की वो भयानक रात आ ही गई। नीलेश और शर्मिला दोनों ही स्वरा के कमरे में आए। स्वरा अपने बेड पर सो रही थी। नीलेश ने स्वरा के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और दीवार पर टंगी तस्वीर निकालने के लिए वो आगे बढ़ा। लेकिन तभी स्वरा ने अपनी आंखें खोली और वो पागलों की तरह झटपटाने लगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। वो जोरों से चिल्लाने लगी। कमरे का माहौल एकदम से बदल गया। भूकंप के झटके की तरह पूरा कमरा कांपने लगा। स्वरा का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। नीलेश ने वो तस्वीर निकालकर जमीन पर पटकी और अपनी जेब में से माचिस निकालकर वो उसे जलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन डर के मारे नीलेश के हाथ कांप रहे थे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। स्वरा जोरों से चिल्लाई। वो अपने आप पलंग से ऊपर उठकर हवा में तैरने लगी। जल्दी करो नीलेश, जल्दी करो, उस तस्वीर को जला दो। छोड़ो मुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। स्वरा, उन्हें छोड़ दो, मुझे मारना चाहते हो? छोड़ो उन्हें, मुझे, तुम्हारे पापा। स्वरा नीलेश का गला दबाने लगी। ये क्या कर रही हो स्वरा, छोड़ दो उन्हें।
शर्मिला चिल्ला रही थी। मैं स्वरा नहीं हूँ, मैं स्वरा नहीं हूँ। निलेश की आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा। उसे अपनी मौत नजर आने लगी। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खोलकर डॉक्टर अंकल वहां पर आ पहुंचे। उनके हाथों में पेट्रोल से भरी हुई एक बोतल थी। उन्होंने वो सारा पेट्रोल उस तस्वीर पर छिड़का और अपनी जेब में से लाइटर जलाकर उस तस्वीर पर फेंक दिया। तस्वीर के जलते ही उस बुरी आत्मा ने स्वरा के शरीर को छोड़ दिया और वो फिर से उस तस्वीर में घुस गई। आखिरकार वो तस्वीर जल के राख हो गई और उसी के साथ वो दुष्ट आत्मा भी हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गई।